तो दोस्तों मैं चमन कुमार आपका हमारे YouTube चैनल Tech Point 823 में स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि एयर कूलर में कैसे कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि एयर कूलर का कनेक्शन कैसे करते हैं। दो स्विच जिस में लगे होते हैं जिस भी कूलर में, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले कॉमन जो है ब्लैक वायर, न्यूट्रल वायर जिसको बोलते हैं, मोटर की और पावर कॉर्ड की, स्विंग मोटर और पंप, ये चारों वायरें ले लेनी है कॉमन, उनको जॉइंट कर देना है ऐसे कैप से लगा देना है। उसके बाद हम लाइन ले लेंगे, जो पावर कॉर्ड की जो लाइन है, ये पावर कॉर्ड की वायर है तो लगाएंगे। सबसे पहले स्विच में देखिए एल, इसमें लिखा हुआ है लाइन, तो लाइन में डालेंगे। अब लाइन की सेम कनेक्टिविटी दूसरे स्विच को दे देंगे। अभी मोटर जो 3 स्पीड पे होती है, ब्लैक कलर वाला स्विच जो होता है मोटर के लिए होता है सभी मॉडलों में ब्लैक, इस पे भी 1 2 3 ऐसे करके लिखा है। ब्लैक हाई स्पीड के लिए होता है 1 नंबर पे, व्हाइट सेकंड स्पीड के लिए होता है 2 नंबर पे, और रेड मोटर की मैं बात कर रहा हूँ, मोटर की वायर है, रेड लो स्पीड के लिए होता है 3 में डालना है। अभी अपना बच गया स्विंग मोटर और पंप का। अभी सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिएगा पंप चलते हैं, तो इसमें भी पहले नंबर पे पंप चलाएंगे, पंप लगाएंगे। फिर स्विंग मोटर। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, पंप प्लस स्विंग एक साथ चलती है और तीसरे पे सिर्फ स्विंग, तो ऐसे कनेक्टिविटी दे लेंगे, इसमें एड ऑन कर लेंगे, इसमें एक वायर लगा लेंगे छोटी सी। तो सबसे पहले तीसरे पॉइंट पे लगाना है और इसी को कनेक्ट कर देना है दूसरे पॉइंट पे। तो दोस्तों ऐसे करके हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। अब इसमें खास बात है जो ध्यान रखने वाली है, मोटर के लिए ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पे हल्की सी टिप दिखाई देती है, ये ब्लैक है, ये देखिए इसमें व्हाइट है। जिस भी कंट्रोल प्लेट में, जिस कूलर में 2 स्विच हैं उसमें व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक लगेंगे, और जो कूलर 3 स्विच का होता है उसमें व्हाइट नहीं लगता है, उसमें लगता है ग्रे। अब ग्रे में कैसे होता है, स्विंग मोटर का भी लगा दिया उसमें एक में, और जो तीसरा रहेगा उसमें पंप का लगा दिया, उसमें सिंगल सिंगल वायर लग जाती है। ये जो कनेक्टिविटी लाइन वाली कनेक्टिविटी दी जाती है वो तीसरे में भी दे दिया जाता है। दोस्तों आज आपने जाना कि एयर कूलर के कनेक्शन कैसे करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।